कैपेसिटर एक चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्यू अपॉन वी, ये पॉइंट नंबर टू। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी या किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा तो उसके अंदर ई की वैल्यू जीरो होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर में एक स्फीयर है, स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0R। तो ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, आइसोलेटेड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात नहीं हो रही। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका, ये हमने किया था लास्ट टाइम, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। तीन नंबर में मैंने बोर्ड के पुराने पेपर्स में प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर आता दिख है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर, या फिर लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस ईयर में दिखाया भी था कि कैपेसिटर जब बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो कैसे चार्ज होता है, उसको डिस्कस करो अपने वर्ड्स में। तो दो दो अलग अलग बातें हैं ये। अगर वो ये कहता है कि एक कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और डिस्कस करो ये कैसे चार्ज हुआ, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के साथ फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, और उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर सप्लाई कर देगा तो यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इसका आंसर अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। पॉइंट नंबर टू, अगर वो कहता है कि डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, फिर ये प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर में कैपेसिटर पैरेलल प्लेट क्यों लिया जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर है। तो फिर आपने ये नहीं लिखना प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर में, आपने क्या लिखना है, आपने ये डिस्कस करना है कि सपोज, पहले प्रिंसिपल समझते हैं है क्या प्रिंसिपल। अगर आप एक सिंपल एक प्लेट लेते हैं और इसको चार्ज देते हैं तो नो डाउट इसके ऊपर कैपेसिटी, इसकी कोई वी की वैल्यू होगी, और जो कैपेसिटेंस होती है वो चार्ज बाय वी है, इस पर कोई चार्ज है, इसका कोई वी है, डिवाइड करके सी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, बात खत्म हो गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम स्पेस में ज़्यादा स्टोरेज हो, चार्ज ज़्यादा स्टोर हो, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मान लो वी पोटेंशियल, मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, आप एक पैरेलल प्लेट इसके सामने रख देंगे, इसको तो बैटरी ने चार्ज दिया हुआ है, तो एक पैरेलल प्लेट इसके सामने रखेंगे, बाय इंडक्शन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम, माइनस, कोई नेगेटिव पोटेंशियल लगाएगा, तो हो सकता है नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को 10 की जगह 8 कर दे, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पीछे की तरफ है, पोटेंशियल ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा, तो बढ़ा के मान लो कितना कर दिया उसने, 9 कर दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर चार्ज रिमेनिंग दी सेम, आपका इसका पोटेंशियल 10 की जगह पैरेलल प्लेट रखने की वजह से 10 की बजाय पोटेंशियल कितना आ गया, 9, पोटेंशियल कम हो गया, तो कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई। फिर आपने इसमें क्या करना है, आपने ये बोलना है कि आपने एक प्लेट ली जिसका मान लो कोई पोटेंशियल है वी, वी का मतलब मान लो इमेजिन करो 10 वोल्ट, एक पैरेलल प्लेट ली, इस पोर्शन को अर्थ कर दे, तो नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा 8 वोल्ट, और बढ़ाने वाला कोई पोटेंशियल रहेगा नहीं, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया, और कम हो गया तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए आपने जस्टिफाई करना है, हम कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों बनाते हैं, और हम सेकेंड प्लेट को अर्थ क्यों करते हैं, ताकि ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसको मेंशन किया हुआ है यहां पे, जो मैंने आपको सीबीएसई की बुकलेट दी हुई है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे प्रोसेस को, अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। पहले आपने प्लेट ली, अर्थिंग करने से ओवरऑल पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया, जिससे कि कैपेसिटी बढ़ गई, ये आपने इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी भी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस अगर निकालनी है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाय इंडक्शन नेगेटिव, और इस तरफ तो कुछ होगा नहीं। तो आपने क्या करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, पहली प्लेट पे जो चार्ज है क्यू, माइनस क्यू तो बाय इंडक्शन है, पहली प्लेट को चार्ज दिया क्यू, डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, मतलब ये प्लेट जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इसका पोटेंशियल वी प्लस है, इसका पोटेंशियल वी नेगेटिव है, तो वी प्लस माइनस वी नेगेटिव, तो ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है किसी भी कैपेसिटर की। तो इसको अप्लाई किया गया एक्सप्रेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपने ये एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ये प्लस है, ये माइनस है, अर्थिंग है,
ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में ई का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपने चार्ज क्या दिया क्यू, और यहां पर क्या दिया माइनस क्यू। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बताया, वी पॉजिटिव प्लेट माइनस वी नेगेटिव प्लेट, ठीक है यहां तक। अगर मैं ये निकाल दूं आंसर आ जाएगा, तो आप एक काम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो आप क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव, ऐसे ये रहा, इज इक्वल टू क्या माइनस ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर में, ई डी आर में एंगल जीरो, बिकॉज दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल इनके बीच में जीरो, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से डी, तो ये आंसर आएगा। पर मेरे को चाहिए क्या, वी प्लस माइनस वी नेगेटिव, और मैंने निकाल क्या दिया, वी नेगेटिव माइनस वी प्लस, इसको उल्टा घुमा दो, तो उल्टा करेंगे प्लस आ जाएगा, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर दो, ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करो, तो ये टर्म आएगी, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया उसने, उसने एक कंडक्टिंग प्लेट को डाल दिया बीच में, तो एक कैपेसिटर की प्लेट में, वो तो खाली प्लेट कैपेसिटर है, इसमें कंडक्टर को भी डाल दिया, कंडक्टर में क्या हुआ, ये प्लस है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इंडक्शन हो गई, ई की वैल्यू कंडक्टर के अंदर क्या रही, जीरो, और ई का फॉर्मूला यहां पर क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी है, टी है, और दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डिस्टेंस कितना है, डी है। तो फॉर्मूला बिना प्लेट के, कंडक्टिंग प्लेट के, ये फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कंडक्टिंग स्लैब के साथ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, तभी तो नई कैपेसिटेंस आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, ये जो रीजन है इसकी लेंथ क्या है, डी माइनस टी, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी और जीरो इंटू टी, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, चार्ज बाय एरिया। इस पूरे को उठा के पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पुट कर दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। तो कंडक्टिंग प्लेट के साथ अपने फॉर्मूला याद करना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी होता है। तो एक हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ध्यान से सुनना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट कोई नहीं है बीच में, कंडक्टिंग या डायलेक्ट्रिक कुछ नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना विद कंडक्टिंग स्लैब। तीसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक खाली नहीं है, उसके अंदर एटम्स हैं जो क्या हो गए, पोलराइज हो गए, खिंच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर एटम खिंच जाते हैं। तो खिंचते कैसे हैं, क्योंकि एटम के अंदर प्लस एंड माइनस है, तो माइनस अट्रैक्टेड बाय माइनस इधर हो जाता है, प्लस इधर हो जाता है, तभी तो यहां प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पर ये चार्ज इंडक्शन की वजह से नहीं है, डाइलेक्ट्रिक्स में इंडक्शन नहीं होती। तो ये पोलराइजेशन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, पर यहां पर ई जीरो नहीं होगा, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डेवलप हो जाता है इसके अंदर प्लस से माइनस, जिसकी वैल्यू है ईपी, ईपी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी, नेट ई की वैल्यू आ जाती है, तो ई की वैल्यू आ गई नेट। नेक्स्ट, बिना स्लैब के कैपेसिटेंस थ्योरी, स्लैब के साथ कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर सेम रूल है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इसकी लेंथ क्या है, डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और थिकनेस क्या है, टी है, तो ई इंटू टी। ये फॉर्मूला पोलराइजेशन में करवाया गया था कि इलेक्ट्रिक जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है प्लेट्स के बीच में ई नॉट अपॉन ई, ई नॉट बाई ई का मतलब कि कितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था और डायलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है। तो ये वैल्यू आ गई ई की वैल्यू ई नॉट बाई के, तो यहां से ई की जगह ई नॉट बाई के पुट किया, यहां से ई नॉट को कॉमन निकाल लिया, ई नॉट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज चार्ज बाई एरिया। इसको उठा के पोटेंशियल डिफरेंस को इसके डिनोमिनेटर में पुट किया, चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो आपके पास वो फॉर्मूला आ गया, ये आपने ड्राइव करना है। तो ये डायलेक्ट्रिक है,
वो क्वेश्चन पूछेगा स्पेशल केस कि अगर डायलैक्ट्रिक पूरे का पूरा भर दिया जाए प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ये तो स्लैब है टी थिकनेस की, तो उसमें डी और टी बराबर हो जाएंगे। डी और टी जब बराबर करेंगे तो आपके पास आंसर के टाइम्स आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स में पूरा डायलैक्ट्रिक भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस बिकम के टाइम्स, ये तीसरा रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला है स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर देखो, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर नहीं है, आइसोलेटेड स्फीयर नहीं है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एक तरीके से। तो क्या करना है, ए रेडियस है, बी रेडियस है और ये अर्थ की हुई है, इस पे चार्ज क्यू दिया, बाय इंडक्शन माइनस क्यू हो गया, ये बी प्लस है, ये ई माइनस है। रूल वही है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम एक काम करते हैं, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। रूल वही है, अगर हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, अगर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव। ये फॉर्मूला लगाया। ई का फॉर्मूला शेल के अंदर, मान लो आर डिस्टेंस पे ई निकालना है तो ये स्टैंडर्ड शेल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/4πε₀Q/r², ये वैल्यू लगाई, इसे इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये टर्म आ गई, इसको रिवर्स कर दिया, वी पॉजिटिव आ गए, वी नेगेटिव आ गए, तो ये भी उल्टा हो गया, ए आगे बी पीछे, बस इसे उठा के यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो बेसिक रूल वही है कि अगर आप क्यू को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दें आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, चांस कम है स्फेरिकल तक आता है, सिलेंड्रिकल का मैंने यहाँ तक देखा नहीं वैसे, फिर भी अगर आ जाए तो रूल वही है कि क्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल के क्यू से क्यू के नीचे लेके आनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है, स्फेयर का ई हमें निकालना आता है तो हमें ई की वैल्यू डायरेक्ट हमने पुट की थी पोटेंशियल डिफरेंस में, आंसर आ गया था। अपने को ना ई की वैल्यू सिलेंडर की वजह से आती नहीं है, पर कईयों को याद भी होती है, हमने गॉस थ्योरम में की भी थी, गॉस थ्योरम में लैम्डा बाय 2πε₀r फॉर्मूला आता है। तो आप ये केस मत करें, आप सीधा फॉर्मूला याद कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, ये फॉर्मूला तो पता ही है, ई का फॉर्मूला याद कर लें, इसमें क्यू अपॉन 2πε₀r × L, तो ये गॉस थ्योरम लगानी बच जाएगी, उसमें सीधा फॉर्मूला यूज करें, इसे इंटीग्रेट करें, लॉग ऑफ आर आएगा नेचुरल, लिमिट्स पुट करें, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको क्यू के नीचे ले आए आपके पास आंसर आएगा। इसका आने का चांस इसलिए कम है क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट भी सीबीएसई का पेपर देते हैं, तो लॉग के इंटीग्रेशन अवॉइड करती है सीबीएसई। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आती देखी नहीं है। नेक्स्ट, इसमें कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर तो देखो थ्योरी तो करोगे ही करोगे, ऐसा नहीं है, पर इसका फॉर्मूला याद रखें क्योंकि आना इसके लिए न्यूमेरिकल ही है। 1/C सीरीज के अंदर 1/C1, 1/C2, 1/C3 और पैरेलल के अंदर C1+C2+C3, ये सबको पता है। फोर्स ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आ सकती है कैसे? आप ऐसा करें, सबसे पहले ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज ने माइनस क्यू प्लेट को अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है। वो अलग बात है कि हम इन्हें पकड़ के रखते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं होती, पर वैसे इसकी टेंडेंसी इसको खींचने की ही है। अब इमेजिन करें कि प्लस अगर माइनस को खींच रहा है तो कोई फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट अपने आसपास, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, ई कितना लगाती है, σ/2ε₀ हमने ड्राइव किया था, इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है, क्यू इंटू ई क्या होती है, फोर्स होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू इंटू ई। तो ये फोर्स और सिग्मा का मतलब चार्ज बाय एरिया, तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी। तो अगर ये पेपर में आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, फोर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट आसान है, क्यू इंटू ई निकालना है बस आपने। तो एक प्लेट ने दूसरी प्लेट को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट किया, ये फोर्स है, पर हमने क्या निकालना है, वर्क डन। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें इमेजिन करें दो प्लेट्स हैं, पहले एक प्लस और एक माइनस, और माइनस प्लेट प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आप उसे सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने में आपको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितनी फोर्स से अट्रैक्शन है उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी है और डी डिस्टेंस अपार्ट आपने करना है। फोर्स हमने निकाल ली इनटू डी, ये क्या आ गया, वर्क डन। यहां से डी को नीचे ले आओ ε₀ a/d, जिसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, आंसर आ गया, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसको करने का और भी तरीका है, इंटीग्रेशन से भी कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है, ऐसे कर लेंगे तो भी एक ही बात है।
तो एनर्जी स्टोर्ड आपने करना है। मेथड टू लिखा हुआ है, ज्यादातर बुक्स ऐसे और स्टूडेंट्स ऐसे करना पसंद करते हैं क्योंकि वो फोर्स के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते। वो ऐसा करते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन वर्क डन बाय चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी क्या होता है क्यू बाय सी, इसको इंटीग्रेट किया, आंसर सेम आएगा। ये ज्यादा बेटर प्रेफर्ड मेथड है क्योंकि इसमें फोर्स का चक्कर पड़ता है, इसमें फोर्स ही निकालनी होती, ये ज्यादा बेटर है। ऐसे ही एनर्जी के और भी तरीके हैं, क्यू को सी वी पुट कर दें, हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है हाफ क्यू वी, तो तीन फॉर्मूला में से एनर्जी निकल सकती है। एनर्जी डेंसिटी आ सकती है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हमें पता है, कैपेसिटर की प्लेट्स का वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू डिस्टेंस डी। तो यहां से वैल्यू पुट की तो ये टर्म आ गई, कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सॉल्व किया डी से डी कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्यू बाय ए क्या होता है सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। इसमें एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये टर्म आ गई, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करने को आ सकता है, बड़ी बात नहीं है कोई, क्योंकि एनर्जी तो कर ही लिया, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना ही आंसर है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन है। देखो ये अपनी ये 10 मिनट के अंदर जादू तो है नहीं कि हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीरीज पैरेलल। जैसे इसके अंदर ये तीनों पैरेलल में है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है बिगनर्स के लिए है। जैसे इसके अंदर ये बैटरी इनके बीच में लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर V2 पोटेंशियल है बैटरी का और ये V1 है, तो ये V1 है तो ये भी V1 है, ये V2 है तो ये भी V2 है, अगर ये V2 है तो ये भी V2 है, ये V2 तो ये भी V2 है, और अगर ये V1 है तो ये V1 है, V1 है तो यहाँ से ये V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 है, तो ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है इन पैरल। वैसे प्रैक्टिस से पता लग ही जाता है इस टाइम तक ये पैरल कॉम्बिनेशन में है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बेसिक ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या पूछ लेगा कि तीन कैपेसिटर देगा, कहेगा चार्ज बता दो सबको कितना है, सब पे कितना है। तो ये तीन कैपेसिटर्स हैं, इस कैपेसिटर में ये यहाँ लगाओ या ये यहाँ लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये और ये कैपेसिटर किस में है, इन पैरेलल है। तो रीड्रॉ किया डायग्राम, इन दोनों को ऐसे लिखा और जो आंसर आएगा 10 के साथ सीरीज में है, सीरीज में। फिर ये दोनों किस में है, इन पैरेलल है, और ये दोनों किस में है, इन सीरीज है। अब चार्ज निकालना है इंडिविजुअल सब पे, बैटरी का वी पता है और सी पता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से यहां पर चार्ज निकाल लें 30। ये कैपेसिटर इन दोनों का बना हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, तो चार्ज सीरीज में क्या रहेगा सेम, तो अगर वो 30 तो ये 30 और 30, तो इस पे चार्ज आ गया 30, पर ये किसका बना हुआ है इन दोनों का, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में वी सेम रहता है, तो इसका वी क्या होगा क्यू अपॉन सी करके वी आएगा, जो भी 3 वोल्ट आएगा दोनों को 3-3 देके यहां से चार्ज निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट सीरीज पैरेलल के बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको उसमें प्रीवियस 10 ईयर्स में से देखेंगे इसे, क्योंकि इसकी तो वैरायटी खत्म ही नहीं होनी कभी भी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन और एनसीईआरटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा इसमें से, तो क्वेश्चन अगर मैं पेपर बनाऊंगा मैं ऐसा क्वेश्चन पक्का डालूंगा अगर मेरे हाथ में आ जाए तो, नहीं आएगा नहीं वो अलग बात है, बट अगर मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन आते देखे हैं कैसे, कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है और आपने इसे कनेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन है कि अगर आपने इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया तो बताओ एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्या होगा आफ्टर इंसर्टिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब। बिना डायलेक्ट्रिक स्लैब के तो पोटेंशियल वी है, चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डायलेक्ट्रिक के बाद क्या होगा ये क्वेश्चन है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक के बाद क्या क्वेश्चन है। अब ये भी फर्दर दो टाइप में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि बैटरी कनेक्टेड है तब डायलेक्ट्रिक को डाला, या बैटरी हटा के डायलेक्ट्रिक को डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में आंसर चेंज हो जाएंगे, डायलेक्ट्रिक दोनों में डाला पर बैटरी लगी हुई थी तब डाला, या बैटरी हटा के डाला। अगर तो बैटरी लगी हुई है लिखेगा वो बैटरी कनेक्टेड है, तो कैपेसिटेंस डायलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम हो जाती है फर्स्ट, ये ठीक हो गया, तो कैपेसिटेंस के टाइम होगी, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, वो क्यों, क्योंकि बैटरी हटाई नहीं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है उतना यहां डेवलप रहेगा, चेंज नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी खुद प्रेजेंट है वहां पे, तो वी सेम रहेगा। चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी,
कैपेसिटेंस के टाइम है, पोटेंशियल कितना है वी है, मल्टीप्लाई करके चार्ज कितने टाइम्स आ गया, के टाइम चार्ज आ गया, तो चार्ज भी के टाइम आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, क्योंकि ऊपर ई सेम है, ई क्यों सेम है क्योंकि वी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट होने की वजह से चेंज तो हुआ ही नहीं, तो वी सेम है तो ई भी सेम है, तो वी भी सेम है ई भी सेम है। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जब आपने डायलेक्ट्रिक को डाला ऊपर आपने देखा चार्ज कितने टाइम हो गया के टाइम और कैपेसिटेंस भी कितने टाइम होगी के टाइम, तो एनर्जी कितने टाइम हो गई के टाइम्स। ये तो तब है जब बैटरी को हटाया नहीं, लेकिन अगर बैटरी को हटा दिया सेम क्वेश्चन है तो कैपेसिट चार्ज विल रिमेन सेम। सेम क्यों, बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, चार्ज अंदर बाहर तो जाएगा ही नहीं, चार्ज तो कैपेसिटर की प्लेट्स में वैसे का वैसे ही रहेगा, हवा में तो उड़ने से रहा, तो क्यू की वैल्यू विल रिमेन सेम। पहला पार्ट है, जबकि उसमें के टाइम्स हुआ था क्योंकि बैटरी से चार्ज लेने की कैपेसिटी थी हमारे पास, अभी बैटरी है ही नहीं तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, तो हर हालत में के टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय सी, क्योंकि सी के टाइम्स हो गया, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम हो गया, वन बाय के टाइम हो गया, बैटरी तो है नहीं, पोटेंशियल वन बाय के टाइम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर वन बाय के टाइम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वन बाय के टाइम्स हो गया, सेम रूल है, उसमें वी और ई सेम है, इसमें वन बाय के है। नेक्स्ट है एनर्जी के फॉर्मूले में क्यू तो कुछ हुआ नहीं, कैपेसिटेंस के टाइम होगी तो एनर्जी वन बाय के टाइम होगी, ये रूल आपको पता होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपके सब्जेक्टिव में प्रूफ करने कुछ भी आएगा, लेकिन इस कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बड़ी बात नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। नेक्स्ट, इसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, तो मैंने ये बताया था कि अगर ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और अगर आप प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक डालें सच दैट, शॉर्टकट भी बताया था इसका, कि एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड हो रहा है ए बाई टू ए बाई टू, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम है, तो वैसे तो लंबी लंबा तरीका मैंने बताया था कि पैरल में कैसे करते हैं, तो शॉर्टकट यही है, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरल, तो इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेना, इसकी कैपेसिटेंस ए बाई टू करके के टाइम्स हो जाएगी, पैरल में दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे एरिया रिमेनिंग सेम, डिस्टेंस डी डी बाई टू, तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये सीरीज का फॉर्मूला से सॉल्व होगा, बस ये याद रख लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स सीरीज पैरेलल की, ये कंपटीशन कैसा रहा?